हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद। तो देखिए, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ग्रामीण प्रशासन से संबंधित सभी प्रश्न कर लिए थे। अब हम करेंगे शहरी प्रशासन से संबंधित सभी क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 27 है, शहरी प्रशासन के कितने रूप होते हैं? शहरी प्रशासन के कितने रूप होते हैं? तो यहाँ पर तीन रूप होते हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। नगर निगम किसे कहते हैं? नगर निगम किसे कहेंगे? तो ऐसे बड़े शहर जहां पर जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो, तो ऐसे जो है क्षेत्रों को क्या कहेंगे? नगर निगम कहेंगे। ठीक है, ऐसे शहरों को क्या कहेंगे? नगर निगम। अगला देखिए, नगर परिषद किसे कहते हैं? नगर परिषद किसे कहते हैं? तो जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा हो और 5 लाख से कम हो, तो ऐसे शहरों को कहा जाएगा नगर परिषद। जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम, तो ऐसे शहरों को हम नगर परिषद कहेंगे। वही तीसरा है देखिए, नगर पालिका। तो नगर पालिका किसे कहते हैं? ऐसे शहर जहां पर जनसंख्या 15,000 से 1 लाख तक के बीच में होती है, 15,000 से अधिक और 1 लाख से कम। ठीक है, तो हमने जो है वो तीनों को पढ़ा, जिसमें जिनकी जो जनसंख्या है 5 लाख से अधिक है, तो ऐसे शहर क्या कहलाएंगे? नगर निगम। और 1 लाख से 5 लाख तक है तो वो कहलाएंगे नगर परिषद। वहीं पर नगर पालिका जो है, ऐसे शहरों को कहेंगे जहां की जनसंख्या 15,000 से 1 लाख तक के बीच में होती है। वार्ड किसे कहते हैं? वार्ड किसे कहेंगे? तो देखिए, शहर को अलग अलग क्षेत्रों में जब बांट दिया जाता है तो उन्हें हम वार्ड कहते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो अध्यक्ष है वह महापौर कहलाता है। ठीक है, याद रखना है, नगर निगम का जो अध्यक्ष है वह क्या कहलाता है? महापौर कहलाता है। नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो उस अध्यक्ष को कहेंगे हम सभापति। नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहेंगे? सभापति। नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष क्या कहलाता है? नगर पालिका अध्यक्ष जो है वह क्या कहलाएगा? तो यहाँ नगर पालिका में जो अध्यक्ष है वह नगर पालिका अध्यक्ष ही कहलाएगा। ठीक है, याद रखें। तो हमने क्या पढ़ा कि नगर निगम जो है उसके अध्यक्ष को महापौर कहेंगे, जो कि नगर का प्रथम नागरिक होता है, और नगर परिषद उसके अध्यक्ष को कहेंगे सभापति। वहीं पर नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वह नगर पालिका अध्यक्ष ही कहलाएगा। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार शहरी संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? 74वें संविधान संशोधन किसकी बात करता है? शहरी प्रशासन की। वहीं 73वां संविधान संशोधन हमने क्या देखा? ग्रामीण प्रशासन की। तो यहाँ 74वें संविधान संशोधन के अनुसार शहरी संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? एक तिहाई। ठीक है, कितना आरक्षण है? एक तिहाई। शहरी संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण कितना किया गया है? तो यह जनसंख्या में उनके अनुपात के अनुसार किया गया है। वहीं पर देखिए, राजस्थान में जो महिलाओं का आरक्षण है वह कितना कर दिया गया है? 50%। ठीक है, और जो ये SC ST हैं इनको जनसंख्या के अनुपात में जो है वो आरक्षण मिलता है, और जो OBC हैं उनको राज्य विधानमंडल की इच्छा पर जो है वो आरक्षण मिलता है। शहरी संस्थाओं के अनिवार्य कार्य कौन से हैं? शहरी संस्थाओं के बहुत सारे कार्य होते हैं, जिसमें से जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है शुद्ध जल व्यवस्था, रोशनी एवं सफाई, दमकल व्यवस्था, जन्म मृत्यु पंजीकरण।
हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया है? किस संविधान संशोधन ने अपनाया है? तो मैंने आपको बताया था 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था या ग्रामीण स्वशासन, और 74वां संविधान संशोधन शहरी प्रशासन। ठीक है, नगर निगम के वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? पार्षद कहलाता है। ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो हमने देखिए लास्ट वीडियो में बात कर ली थी, ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा सरपंच। नेक्स्ट देखिए, पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? तो ये रिवीजन है, प्रधान कहलाता है। वहीं पर जिला परिषद का मुखिया क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है जिला प्रमुख। तो चलिए, यहाँ पर 42 क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में से निकल कर आए हैं, और ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद भी करने जरूरी हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।